यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण ही सुखी होगा और मैं तुझे देश के उच्च स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के ही मुख से यह वचन निकला है। कहते हैं जिसे परमेश्वर ने चुना हो, फिर वो चाहे कितना भी परमेश्वर से दूर चला जाए या इस संसार में डूब जाए, परमेश्वर उसे एक न एक दिन अपने पास ले ही आता है। परमेश्वर और संसार में से अगर कुछ चुनना हो तो आपका चुनाव क्या रहेगा? और हाँ, संडे के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हॉलीडे और होलीडे, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस।